जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर N3 की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं N3 में, जो कि आप लोगों को जब आ जाते हैं तो बहुत आसान लगता है, जब तक नहीं आते तक बहुत मुश्किल लगता है। तो ओसोरे ओसोरेवा अरु या अरिमस, ठीक है, अरिमस या अरु। ओसोरे को अगर हम खांजी में लिखें तो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ओसोरे का मतलब है खौफ, ओसोरेरु डरना, तो ओसोरे वा अरिमस इस चीज़ का खौफ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई किसी बात का खौफ है, लेकिन नेगेटिव उसमें आता है। असल में ये इसका मतलब है खानों से गा अरिमस, खानों से गा अरिमस। अब खनों से का मतलब क्या है, खानों से, अब N3 के स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, खनों से का मतलब है पॉसिबिलिटी, ठीक है। खनों से का मतलब है पॉसिबिलिटी, खनों से का अरु पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, ऐसा हो सकता है। जो आपने N5 में पढ़ा था कामोशीरे नाई, कामोशीरे नाई का मतलब भी वही है कि इम्कान है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने N5 में पढ़ा था कामोशीरे नाई, N4 में पढ़ा था खनों से का अरु, अब N3 में जो है वो एक छोटा सा वर्ड है ओसोरेवा अरिमास, ओसोरेवा अरु, या इसका नेगेटिव भी हो सकता है ओसोरेवा अरिमास है या ओसोरेवा नाइदिस, ठीक है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ का इम्कान नहीं है, लेकिन ये आम तौर पे थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे थाइफू गा ओकोरू, ताइफू, ताइफू की खांजी मुझे देखनी पड़ेगी, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह होना चाहिए, ताइफू गा ओकोरू, ओकोरू, चलिए मैं हीरा गाना में लिख देता हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओकोरू ताइफू गा ओकोरू ओसोरेगा या ओसोरेवा अरिमास, ठीक है। थाइफू गा ओकोरु ओसोरेवा अरिमास या ओकोरु ओसोरेगा अरिमास, यानी कि ये इस बात का इम्कान है कि स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये भी कहते हैं थाइफू नो, जब ये थाइफू जो असल में नाउन है, ओकोरु जो है वर्ब है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। थाइफू गा ओकोरु ओसोरेवा अरिमास, यानी तूफान आने का इम्कान है, तो ये आमतौर पे नेगेटिव इम्प्रेशन देने के लिए आता है। थाइफू नो ओसोरेगा अरिमास भी कह सकते हैं, तूफान का इम्कान है, थाइफू नो ओसोरेवा अरिमास या गा अरिमास, ठीक है। अगर हम कहेंगे जनाब तूफान आने का इम्कान नहीं है, तो हम कहेंगे थाइफू नो ओसोरेगा अरिमासेन या थाइफू गा ओकोरु ओसोरेगा अरिमासेन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ भी कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। अब मैं आपको इसमें क्या एग्जांपल दूं, और कोई एग्जांपल दे दूं, करेवा करेनो ब्योकी वा, करेनो ब्योकी वा हागे शिकु नारू, हागे शिकु नारू ओसोरेगा अरिमास, क्या मतलब है, उसका उसकी बीमारी जो है वो शदीद हो जाएगी, इस बात का इम्कान है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये आमतौर पर नेगेटिव इम्प्रेशन के लिए आता है। अगर हम ये कहेंगे ना उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, इसका ऐसा कोई इम्कान नहीं है, क्या हो जाएगा, कर्ण उपयोग की वह हागेशी को नारू ओसोरेगा अरिमासेन या ओसोरेगा नाइदिस, ठीक है। तो ये सिर्फ आता है किसी चीज़ की नेगेटिव इम्कान को एक्सप्रेस करने के लिए कि ऐसा होने का इम्कान नहीं है या ऐसा होने का इम्कान है, ठीक है। आपको डर है कि जनाब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अब्बा आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, चिची का खुरू ओसोरेगा अरिमास, इस बात का खौफ है कि अब्बा आ जाएंगे, ठीक है। चिची अकुरु ओसोरेगा अरिमास, इस बात के इम्कान हैं, ध्यान में रखो
इस बात के इम्कान है कि अब्बा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसका नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो अरिमा सेंड कर दिया, रेगुलर फॉर्म में बनाना है तो उस होगा नाइदिस, ठीक है। अब ये वा की जगह गा क्यों लगा रहा हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उस वा रिमस भी कह सकते हैं, उस गा रिमस भी कह सकते हैं। वाह और गा पे मैं बहुत पहले लेक्चर बना चुका हूँ, N4 के लेक्चर्स में, एक फिर डिटेल्ड लेक्चर और बना दूंगा जब क्लास में स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादा, तो मैं आपको एक पूरा एक लेक्चर बना दूंगा कि वाह और गा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। N5 और N4 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़। N3 के लेवल पे आपको वाह और गा में डिफरेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा लेक्चर है, इसको ध्यान में रखिए, आगे आपको तो बहुत आसान है, नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गुज़ाइमाशिता।